आज के वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं कि राजधानी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसके लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिल करना है, ताकि आपसे कोई गलती ना हो जाए। जैसा कि आप सभी को नजर आ रहा है, देखिए हम लोग राजधानी कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं। इन सभी पोस्ट के रिलेटेड देखिए मैं अपने एक यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पहले से अपलोड कर दिया हूँ, आप जाके उसको देख सकते हैं। आपको फिर कोई भी डाउट रहेगा तो वहाँ पर सारा डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमारे चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, आप जाके उसको देख लीजिए। फॉर्म फिलअप से पहले देखिए आप सबसे पहले वो वीडियो जाकर देखिए, क्योंकि उसके अंदर सारा चीज़ आपको डिटेल दिया गया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिलेटेड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारा चीज़ आप लोग को वहाँ पर, एज लिमिट, ये सारा चीज़ आपको वहाँ पर बता दिया गया है। तो आप जाके वहाँ पर देख पहले देख लीजिए, उसका फिर आप यहाँ पे इस वीडियो को देख लीजिए कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिल करना है। चलिए स्टार्ट करते बिना देरी किए। जैसा कि आप सभी वेबसाइट के ऊपर आ गए, वेबसाइट के ऊपर आने के बाद आपको रिक्रूटमेंट का यहाँ पे पोर्टल नजर आ रहा होगा, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे खुलेगा। जैसे आपको यहाँ पे खुलेगा, देखिए यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट भी आपको यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ से ऑनलाइन लिंक ऑफ नॉन टीचिंग पोस्ट यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, यहाँ पे देखिए खुलेगा आप लोग के यहाँ पे। तो यहाँ पे खुल गया तो आप लोग यहाँ पे रजिस्टर हेयर और साइन इन इन हेयर, यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग पहली बार यहाँ पे कर रहे, तो हम लोग को रजिस्टर हेयर पर हम लोग को क्लिक करना होगा। तो रजिस्टर हेयर में यहाँ पे देखिए आप लोग को एप्लीकेंट अपना ईमेल आईडी डालेंगे यहाँ पे, और ईमेल आईडी को यहाँ पे कंफर्म करेंगे, फिर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर देखिए आपको अपने जीमेल के ऊपर चले जाना है। यहाँ पे जीमेल के जो आपने जीमेल अभी डाला था वहाँ पे पासवर्ड, माफ़ कीजिएगा, जो जीमेल आपको डाला होगा उस जीमेल के ऊपर देखिए आपका लॉगिन का डिटेल आपका चला गया होगा, कुछ इस प्रकार से। जैसा मैं आपको यहाँ पे देखिए स्क्रीनशॉट में आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपका जीमेल के ऊपर चला गया होगा। देखिए रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आपको यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे पासवर्ड आपको यहाँ पे रहेगा। तो आपको यही दोनों से आपको देखिए आपको वेबसाइट के ऊपर आपको लॉग इन करना है। यहाँ पे देखिए आप लोग को वेबसाइट भी आप लोगों को दे दिया गया यहाँ पे। तो आप लोग को ये दोनों चीज़ आपको यहाँ पे इसको भी देखिए यहाँ पे इसको सेव कर लीजिएगा इसको, उसके बाद आपको देखिए लॉगिन पे क्लिक करना। चलिए मैं आपको लॉगिन पे लेके चलता हूँ। देखिए जैसा कि आप सभी को नजर, देखिए हम वेबसाइट के ऊपर आ गए, यहाँ पे देखिए साइन इन हेयर का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन नाउ पे क्लिक करेंगे। देखिए हम लोग देखिए लॉगिन हो चुके हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए कुछ इस प्रकार से देखिए आपको यहाँ पे लॉगआउट का ऑप्शन मिल रहा होगा यहाँ पे, उसके नीचे यहाँ पे देखिए होम का ऑप्शन मिल रहा होगा, एप्लीकेशन फी देखिए, व्यू फी डिटेल आप लोग को यहाँ पे है, नोट के अंदर यहाँ पे देखिए कुछ लिंक फॉर एडवर्टाइजमेंट आप लोग को मिल रहा होगा यहाँ पे। यहाँ पे देखिए ओपन पोजिशन किस किस के अंदर देखिए आपको वैकेंसीज के लिए ओपन यहाँ पे हुए। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, देखिए नॉन टीचिंग स्टाफ, देखिए लास्ट डेट आप लोग का जो है 19/10/2024 आपका लास्ट डेट है यहाँ पे। तो यहाँ पे जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में एक्शन वाले ऑप्शन में देखिए आपको अप्लाई नाउ ऑप्शन मिल रहा होगा यहाँ पे। अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है तो आपको अलग अलग दोनों के अंदर आपको देखिए फॉर्म को भरना होगा यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि एक ही के अंदर आप सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते, जी नहीं। जैसे कि आप जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पहले इसके अंदर अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको मानिए कि आप लेबोरेटरी अटेंडेंट के देखिए केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इसके अंदर वापस आपको अप्लाई करना पड़ेगा। मैं देखिए आपको जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के बारे में बता रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा यहाँ पे अप्लाई नाउ पे। देखिए उसका फिर यहाँ पे देखिए पर्सनल डिटेल कुछ आपको फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए पोस्ट आपका देखिए जूनियर असिस्टेंट आपको यहाँ पे शो करेगा यहाँ पे। यहाँ पे आपका ईमेल आईडी रहेगा, यहाँ पे आपको कैंडिडेट का अपना नाम लिखना है, यहाँ पे मदर्स नेम लिखना है, यहाँ पे फादर्स नेम, ये जो आप लोग लिखिएगा ये आपको क्लास टेंथ के सर्टिफिकेट के हिसाब से आपको फिल कीजिएगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी क्लास टेंथ के सर्टिफिकेट के हिसाब से आपको फिल करना है। यहाँ पे जैसे आप डेट ऑफ बर्थ डालिएगा तो ये आपको ऑटोमेटिक आपको ये फिल आपका यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद मैरिज स्टेटस आपको बताया जा रहा है यहाँ पे। तो देखिए उसका फिर मैसेज देखिए इसके अंदर दो चीज़ पूछा रहा है, मैरिड या सिंगल। आप मैरिड है तो मैरिड यहाँ पे कीजिएगा, सिंगल है तो सिंगल कीजिएगा। उसका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे अपना डालना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जेंडर आपको बताना पड़ेगा, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो आपका है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। कैटेगरी उसका आपको पूछा जा रहा है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, उसके बाद पीडब्ल्यूबीडी का यहाँ पे पूछा जा रहा है। कभी जिस भी कैटेगरी से अप्लाई करना चाह रहे हो उसका आपको यहाँ पे सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए यहाँ पे। उसके नेशनलिटी देखिए यहाँ पे आपको इंडियन यहाँ पर लिख देना है आपको यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको आधार नंबर, कैंडिडेट को अपना आधार नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। फिर यहाँ पे देखिए कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, और यहाँ पे देखिए परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस देखिए आपको पत्राचार पता आपको जिसको कह लेते हैं वर्तमान पता, और परमानेंट एड्रेस आपका स्थायी पता हो गया। देखिए जैसे जो आपको बाई चांस अगर आपको देखिए कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे देखिए सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो ये आपका ऑटोमेटिक आपका ये आपका देखिए ये आपको फिल करने की जरूरत नहीं, आपका ऑटोमेटिक आपका फिल हो जाएगा। अगर आपको दोनों अलग अलग है तो आपको दोनों अलग आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट आपको देखिए टाइपिंग का स्पीड आपको पूछा जा रहा है। देखिए टाइपिंग का स्पीड देखिए कोई कंपलसरी नहीं है, आपको देना ही देना है यहाँ पे, क्योंकि देखिए इससे ऊपर वाले में देखिए आप लोग को रेड साइन है, जिसके अंदर रेड साइन है वो आपके लिए कंपलसरी है। बाकी देखिए जो टाइपिंग का स्पीड आपका है वो आप डालना चाहते हो डालें, नहीं तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से आप देखिए डाल दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा यहाँ पे। अगर 40 से कम स्पीड है तो 40 से कम, 40 से ज़्यादा है तो ग्रेटर देन 40 लिख दीजिए। हिंदी के अंदर भी जो आपका है वो आपको यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फिर डिटेल ऑफ टू रेफरेंस ये आपको देखिए ये भी आप लोग के लिए यहाँ पे
कंपलसरी नहीं रखा गया यहाँ पे। देखिए जो रेड साइन आप लोग का यहाँ पे है वो देखिए यहाँ पे इसके ऊपर नहीं लगा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपको आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए क्या देखिए उसके बाद कुछ यहाँ पे यस नो आपको पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो वेयर यू एट एनी टाइम कन्विक्टेड बाई अ कोर्ट, और मतलब कोई क्रिमिनल ऑफेंस आपके ऊपर लगा है या फिर नहीं लगा है कोर्ट केस का यहाँ पे बारे में पूछा जा रहा है। अगर आप यस करते हैं तो आपको यहाँ पे कोर्ट केस या फिर कोर्ट के बारे में जानकारी मिलेगा, कौन से कोर्ट के अंदर आपका यहाँ पे केस दर्ज है, केस नंबर क्या, किस मतलब जून के अंदर आपके यहाँ पे हुआ था, वो सारा चीज़ आपको बताना पड़ेगा। नहीं है तो बेसिक नो, यहाँ पर बेसिक सभी के अंदर नो ही आपको यहाँ पे रखा जाता है यहाँ पे। या फिर मतलब कहीं आप रेजिग्नेशन या फिर डिस्चार्ज या फिर डिसमिस कहीं आपने जॉब में किया है या इससे पहले, तो आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा, नहीं तो नो करना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉयड है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर या फिर ऑटोनोमस बॉडी यूनिवर्सिटी एफिलेटेड या फिर स्टूडेंट कॉलेज उसके अंदर आप हैं तो आपको यस करना है या नहीं तो नो रहने देना है। क्या या देखिए हैव यू अप्लाइड फॉर एनी अदर पोस्ट इन कॉलेज, इफ सो स्टेट द नेम ऑफ अदर पोस्ट ऑफ द पोस्ट, यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट। क्या इसके अलावा देखिए आप किसी दूसरे पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं कॉलेज के अंदर यहाँ पे, तो आपको यस करना है। अगर करेंगे तो आपको पोस्ट का नाम बताना पड़ेगा, जी हाँ मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया हूँ यहाँ पे। और अगर नहीं किए हैं सिर्फ सिंगल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे नो कर देना है यहाँ पे। उसके बाद देख उसके बाद नेक्स्ट आपको पूछा कि आर यू ऑलरेडी वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट या फिर डेली वेजेस, मतलब क्या आप पहले अभी काम कर रहे हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर यहाँ पे, तो यहाँ पे यस करना है नहीं तो नो कर देना है यहाँ पे। उसके बाद इसके अलावा कोई अदर इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे दें, नहीं तो उसको छोड़ दें। बाकी कुछ नहीं करना, आपको सेव और सेव नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। लेकिन नेक्स्ट स्टेप जो आपका है वो देखिए क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे डालना है। क्वालिफिकेशन के अंदर देखिए उसका फिर नेक्स्ट आपका एक्सपीरियंस है, उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फिर फॉर्म सबमिशन। ये आपका कंप्लीट आपका देखिए टोटल 5 स्टेप है। तो हम लोग स्टेप 2 के अंदर ऊपर आ गए यहाँ पे, देखिए एकेडमिक एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन। इसके अंदर देखिए आप लोग यहाँ पे एजुकेशन एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशन आप लोग को डालना है यहाँ पे। तो इसके अंदर क्या करना है, ऐड क्वालिफिकेशन आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे। जैसे आप ऐड क्वालिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ बताया जा रहा है यहाँ पे देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेकेंडरी ऑनवर्ड्स या प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन, ये इसको सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे एग्जाम का नेम आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए एग्जाम का नेम देखिए आप लोग यहाँ पे सेकेंडरी भी लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि देखिए ये आपका क्लास टेंथ क्लास ट्वेल्थ, क्योंकि ये ट्वेल्थ लेवल का है तो आपको क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ दोनों आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन के अंदर क्लास टेंथ यहाँ पे टेंथ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर सेकेंडरी भी लिख सकते हैं। बोर्ड का नेम किस बोर्ड से, सीबीएसई से किए हैं, बिहार बोर्ड से किए हैं, वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। स्कूल का नाम आपको लिखना पड़ेगा, कौन से साल आप पास किए वो आपको बताना पड़ेगा, ईयर ऑफ पासिंग, उसका कितना परसेंटेज मार्क्स या फिर सीजीपीए आया है वो आपको यहाँ टाइप करना पड़ेगा यहाँ पे, कौन सा डिवीजन फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन से पास किए वो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे, और क्या क्या सब्जेक्ट आपने पढ़ा है वो आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। ये सारा चीज करने का आपको कुछ नहीं करना है, सेव एंड क्वालिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर देखिए आप लोग यहाँ पे क्लास ट्वेल्थ का उसी प्रकार से आपको फिल कीजिएगा और सेव क्वालिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। देखिए कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे देखिए अपना फिल कर देना है, क्योंकि क्लास ट्वेल्थ जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए आपको इसी प्रकार से आपको करना है। क्लास टेंथ ट्वेल्थ ग्रेजुएशन वाला तो ग्रेजुएशन का यहाँ पे टाइप कीजिएगा यहाँ पे, उसी प्रकार से जिस प्रकार से मैं आपको दिखा रहा हूँ उसी प्रकार से आपको यहाँ पे करना है। टेंथ ट्वेल्थ उसका भी यहाँ पे जैसे आपको नजर आ रहा होगा उस प्रकार से आपको यहाँ पे करना है। जो ग्रेजुएशन वाला पोस्ट रहेगा ग्रेजुएशन का यहाँ पे शो करेगा आप लोग यहाँ पे, उसको जिस प्रकार से आपने क्लास टेंथ ट्वेल्थ किया है उसी प्रकार से आपको ग्रेजुएशन का यहाँ पे फिल करना पड़ेगा आप लोग को। इसके बाद आप कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ना है आप लोग को। और सर देखिए नेक्स्ट तीसरा यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे। जिस भी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस रखा गया सिर्फ एक ही पोस्ट वहाँ पे है, उसके अंदर सिंगल एक पोस्ट के लिए अंदर एक्सपीरियंस है, बाकी किसी के अंदर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। एक्सपीरियंस मांगा गया है तो आपको एक्सपीरियंस देना पड़ेगा आप लोग को यहाँ पे। एक्सपीरियंस में देखिए आपको किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम कर रहे हैं वो आपका नाम देना पड़ेगा यहाँ पे, किस पोस्ट के ऊपर कब से कब तक काम किए वो आपको बताना है, फ्रॉम टू, उसका नेचर ऑफ पोस्ट परमानेंट था टेम्प्ररी था कॉन्ट्रैक्ट बेसिस था वो आपको यहाँ बताना पड़ेगा, किस ग्रेड पे आप काम किए हैं, सैलरी आपको कितना बन रहा था यहाँ पे, वो सारा चीज़ आपको करके आपको यहाँ पे सेव एक्सपीरियंस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। अगर नहीं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे सीधा नेक्स्ट भाग बढ़ जाना है यहाँ पे। अब नेक्स्ट है देखिए आप हमारा यहाँ पे देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट, अब हम लोग को देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसके अंदर देखिए अपलोड फोटो सिग्नेचर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको फोटो अपलोड करना पड़ेगा, यहाँ पे फोटो के बारे में बताया जा रहा है आपको। फोटो का साइज़ देखिए आप लोग का 40 से 50 KB के बीच आपका यहाँ पे होना चाहिए, और सिग्नेचर का भी साइज़ आपका देखिए 20 से 30 KB आपका यहाँ पे होना चाहिए, सभी के अंदर आपको बताया जा रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ब्राउज करके आपको यहाँ फोटो सेलेक्ट जो फोटो है आपको यहाँ पे फोटो को यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे अपलोड फोटो पे आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे। उसी प्रकार से सिग्नेचर को अपलोड करना है यहाँ पे। NOC वाले बच्चे वो जो कहीं जॉब कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे अंडरटेकिंग आपको करना पड़ता है यहाँ पे, वो उन लोगों के लिए यहाँ पे, ये बाकी सभी के लिए नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अपलोड एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन डिटेल। जो यहाँ पे देखिए आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर जो आपने किया है फिल, जैसे क्लास टेंथ ट्वेल्थ ग्रेजुएशन जो भी आपने यहाँ पे फिल किया है जिस पोस्ट के लिए, तो आपको वहाँ पे देखिए एक सिंगल PDF के अंदर आपका सभी का आपका मार्कशीट आपका होना चाहिए यहाँ पे, कॉमन PDF के अंदर आपका होना चाहिए, जिसका साइज देखिए आप लोग 10 MB से कम आपका होना चाहिए यहाँ पे। एक ही PDF के अंदर आपको मर्ज PDF के ऑप्शन से आपको यहाँ पे एक सिंगल PDF को बनाना होगा यहाँ पे सभी के लिए, यहाँ पे सभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे, ठीक है।
एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लोग का यहाँ पे है तो उसके एक्सपीरियंस वाले यहाँ पे बढ़ेंगे उसके अंदर। ये उसके आप देखिए अपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखिए एस सी एस टी ओ बी सी ई डब्ल्यू एस वाले और पी डब्ल्यू बी डी कैंडिडेट वाले बच्चे इसके अंदर फिल करेंगे। उसके बाद ये सारी चीज़ देखो जिसके अंदर जो बच्चा यहाँ पे देखिए एप्लीकेबल रहेगा उसके अंदर वो फिल करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, सीधा नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए अब आपको फोटो भी आपके यहाँ पे देखिए आप आपको शो करने लगेगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए लास्ट आपके स्टेप फाइव आपका लास्ट आपका ऑप्शन है यहाँ पे देखिए जिसके अंदर आपका पेमेंट करना है और फॉर्म को सबमिट करना है यहाँ पे। तो देखिए फी पेमेंट लिंक यहाँ पे देखिए पेमेंट का आपको यहाँ पे इस प्रकार इधर आपको लिंक दिया जा रहा है यहाँ पे और यहाँ पे देखिए अपलोड द रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे पेमेंट का आपको रिसिप्ट यहाँ पे देना है। और यहाँ पे देखिए फॉर वुमेन और पी डब्ल्यू बी डी कैंडिडेट एप्लीकेंट दे अपलोड देयर आधार कार्ड, यहाँ पे देखिए जो पी डब्ल्यू बी डी कैंडिडेट या वुमेन वाले हैं उनको पेमेंट नहीं करना है, उनको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका आधार कार्ड आपको यहाँ पे अपलोड करना है यहाँ पे पी डी एफ, वो आपको यहाँ पे आप पी डी एफ साइज आपको यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा 10 MB से कम आपका यहाँ पे होना चाहिए। और बाकी जो अदर कैटेगरी वाले बच्चे हैं वो लोग यहाँ से देखिए पेमेंट करना पड़ेगा आपको, ईजी पे पे आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे। देखिए जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा उसके ऊपर उस लिंक के ऊपर कुछ इस प्रकार से आपके यहाँ पे खुलेगा योर सर्च प्रिंसिपल राजधानी कॉलेज पोस्ट अप्लाई फॉर, किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, जूनियर असिस्टेंट है तो जूनियर असिस्टेंट लिखेगा यहाँ पे। उसके बाद अमाउंट कितना अमाउंट आप लोग के यहाँ पे है 500 है तो 500 लिखना पड़ेगा, 300 है तो 300 लिखना पड़ेगा। नेम ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट का नेम फादर्स नेम डेट ऑफ बर्थ, उसका कैटेगरी यू आर ई डब्ल्यू एस एस सी एस टी जिससे आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, ईमेल आई डी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ अप्लाई जैसे आज का डेट आप अप्लाई कीजिएगा यहाँ पे तो अभी का डेट आप यहाँ पे लिख दीजिए आज का डेट लिख दीजिएगा, फिर कैप्चा कोड ये सारा चीज़ करने का देखिए शो डिटेल पे आप क्लिक कीजिएगा। देखिए कुछ ऐसे ही आपको देखिए फिल कर देना जैसे मैंने यहाँ पे देखिए आप लोगों को नजर आएगा मैंने फिल कर दिया यहाँ पे, देखिए सारा चीज़ मैंने अप्लाई यहाँ पे देखिए अपना जो जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ था उसे मैंने देखिए हाइड कर दिया, बाकी सारा चीज़ आपको यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे आपको फिल कर देना है यहाँ पे। उसके बाद फिर देखिए जैसे आप शो डिटेल पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग आपके लोग मोबाइल के ऊपर देखिए एक ओटीपी जाएगा 6 डिजिट का, वो आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा यहाँ पे, आप मोबाइल के ऊपर देखिए देख लीजिएगा ओटीपी और यहाँ पे डाल के आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। देखिए उसके बाद फिर देखिए कुछ इस प्रकार से आपका डिटेल आपको शो करेगा आप लोग के यहाँ पे बिलिंग अमाउंट देखिए आपको यहाँ पे सारा चीज़ आपको शो कर देगा, एक बार मैच कर लीजिएगा अगर आपका सारा चीज़ सही रहेगा तो यहाँ पे देखिए आपको पे नाउ पे क्लिक कर देना है यहाँ पे इसके ऊपर चेक। उसके बाद फिर नहीं तो कुछ गलती होगा तो बैक जाकर उसको एडिट कर सकते हैं आप यहाँ पे, मेरा सारा चीज़ सही है तो मैं देखिए पे नाउ पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद देखिए कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे आपको नजर आएगा यहाँ पे देखिए आपको ट्रांजैक्शन आईडी आप लोग यहाँ पे मिल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कॉलेज का नाम आपको मिल जाएगा यहाँ पे, अमाउंट सारा चीज़ आपको मिल जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आईसीआईसी बैंक रिटेल या फिर आईसीआईसी बैंक कॉर्पोरेट, अदर बैंक या फिर यूपीआई, किससे आप पेमेंट करना चाहते हैं वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे क्यूआर कोड से स्कैन करके भी कर सकते हैं। जैसे आपका पेमेंट आपका सक्सेसफुल आपके यहाँ पे होगा तो आपको यहाँ पे एक पीडीएफ आपको मिलेगा प्रिंट करने के लिए, वो पीडीएफ को आपको डाउनलोड कर लेना है यहाँ पे। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद देखिए आप लोग को वापस से ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको आ जाना है यहाँ पे। देखिए यहाँ आने पर देखिए जो आपका रिसिप्ट आपको जो आपको वहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा वो आपको यहाँ पे देखिए ब्राउज पे क्लिक करके वो पीडीएफ जहाँ पे आपका डाउनलोड किया हुआ है उसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे अपलोड पेमेंट रिसिप्ट पे क्लिक करके आप लोग को यहाँ पे आईडी क्लियर पे क्लिक करके आप लोग यहाँ से सबसे पहले व्यू फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे व्यू फॉर्म के अंदर देखिए आप लोग क्या है आपको कंप्लीट टोटल जो अब तक आपने फॉर्म को फिल किया है वो टोटल का टोटल आपका फॉर्म का प्रीव्यू आपका आ जाएगा वहाँ पे। एक बार सारा चीज़ आप यहाँ पे चेक कर लीजिए यहाँ पे कि आपने सारा चीज़ सही फिल किया है या फिर नहीं किया है, अगर सारा चीज़ आपका सही है तो आपको यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा यहाँ पे, नहीं तो आप देखिए बैक जाके आप उसको एडिट कर सकते हैं। जैसे अगर सबमिट एप्लीकेशन कर दीजिएगा तो उसका फिर आप एडिट नहीं कर सकते यहाँ पे, तो इसलिए आप इसको एक बार अच्छा से देख लीजिए। यही देखिए कंप्लीट आपका फॉर्म का यहाँ पे देखिए फॉर्म फिलअप का स्टेप बाय स्टेप था। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहेगा तो हमारे कमेंट बॉक्स कमेंट करें वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर।